हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस इंटर्नी, एनआईआई जयपुर राजस्थान। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑल इंडिया का जो एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग और बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए शेड्यूल पब्लिश्ड हो चुका है, उनका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड कब कब स्टार्ट होगा, किस डेट में कौन सा राउंड स्टार्ट होगा, कब रिपोर्टिंग है, कब रिजल्ट है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि हर एक काउंसलिंग के जो भी स्टेप्स होंगे उन सब का अपडेट मैं वीडियो के फॉर्मेट दूंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काउंसलिंग मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग वैसा ही हो रहा है। ये काउंसलिंग 100% सीट ऑफ डिम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और एज वेल एज जिपमर के जो भी MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के सीट्स हैं उन पे, और साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑल इंडिया में उनके 15% सीट्स के लिए ये काउंसलिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, जिसपे BMS, BDS और BSc नर्सिंग का काउंसलिंग होगा और उस पर एडमिशन मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, देखिए ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, हर एक साल लगभग फर्स्ट राउंड का तो डेट फिक्स रहता है, लेकिन नेक्स्ट राउंड जो सेकेंड राउंड है, मॉपअप राउंड है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तब तक आपको यही डेट आपको फिक्स मानना है, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है। फर्स्ट राउंड जो आपका स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वो 14 अगस्त 2024 टू 21 अगस्त 2024। रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक होगा, 21 अगस्त को 12 बजे तक ही है, लेकिन पेमेंट आप 3 बजे तक शाम तक कर सकते हैं 21 अगस्त को। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप कर सकते हैं 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 तक, और वो भी 20 अगस्त को आप 11:55 तक ही कर पाएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 21 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में, रिजल्ट आ जाएगा 23 अगस्त, और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग आपको करना होगा 24 अगस्त से 29 अगस्त तक। नेक्स्ट यानी सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 5 सितंबर 2024 टू 10 सितंबर 2024, 12 नून यानी कि 12 बजे तक आप कर सकते हैं 10 सितंबर तक। पेमेंट फैसिलिटी वैसे ही सेम है, 3 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 6 सितंबर से 10 अगस्त तक है। सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है उसको आप कर सकते हैं 6 सितंबर 2024 से लेकर के 10 सितंबर 2024 यानी कि 6 सितंबर टू 10 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं 11:55 तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यानी कि सीट अलॉटमेंट आप प्रोविजनल आप सीट आपको पता चल जाएगा कि किसको कौन सा सीट अलॉट हुआ है 11 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक। फिर रिजल्ट आएगा 13 सितंबर को, और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करना होगा आपको कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा करके 14 अगस्त यानी 14 सितंबर टू 20 सितंबर 2024 तक। ये MBBS, BDS और BSc नर्सिंग तीनों के लिए ये शेड्यूल है, ठीक है, जिसको जो चॉइस फिलिंग करेंगे जिस कॉलेज के लिए जिसमें जो एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे। मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा वो 26 सितंबर 2024 टू 2 अक्टूबर 2024 यानी कि 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन यानी थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 27 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2024 यानी कि 27 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं 11:55। अगर आप खुद से लॉक नहीं करते तब भी ये सिस्टम के द्वारा खुद से ही लॉक हो जाता है, तो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का ध्यान रखना है क्योंकि ये क्लोज हो जाता है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, अभी रूल्स जो हैं वो अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए रहते हैं या मॉपअप राउंड तक भी पार्टिसिपेट किए वही स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करना कि फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना, चाहे जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, चाहे वो आयुष का हो, CCC काउंसलिंग हो, MCC काउंसलिंग यानी कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग जो अभी चल रहा है जिसके बारे में बता रहा हूँ, वेटनरी काउंसलिंग हो, ठीक है, इन सब के लिए आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना। मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो आएगा 5 अक्टूबर को आएगा, और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग जो होगा 6 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर 2024।
नेक्स्ट इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड आएगा, इस ये स्टार्ट होगा टेंटेटिव जो डेट है इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का 16 अक्टूबर 2024 टू 20 अक्टूबर 2024, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होगा 17 अक्टूबर यानी कि 17 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट वही 21 अक्टूबर 2024 टू 22 अक्टूबर 2024, देन रिजल्ट आएगा 23 अक्टूबर को और रिपोर्टिंग आपको करना होगा 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। ये लास्ट डेट रहेगा 30 अक्टूबर, इसके बाद से काउंसलिंग एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा ऑल इंडिया MBBS, BDS और BSc नर्सिंग काउंसलिंग का शेड्यूल। आप इसके अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग में विशेष करके ध्यान रखना कि आपको जो कॉलेज में एडमिशन जिसका फ़ी कम हो, जो आपके घर के पास हो अपना सुविधा के अकॉर्डिंग, उसी को चॉइस फिलिंग में रखना। ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं चूज कर लेना है जैसे कि आपको अंडमान निकोबार का कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ गया और वहाँ पे आप जा नहीं पा रहे हो। फर्स्ट राउंड में कोई दिक्कत नहीं होती है, फर्स्ट राउंड में चाहे आप सभी कॉलेज फिल कर दो, अलॉटमेंट होए ना होए आपको फ्री एग्जिट रहता है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको सभी रूल्स के बारे में बताऊँगा कि कौन सा रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं, अगर वायलेट कर रहे हैं तो आपके लिए उस क्या डिमेरिट्स हो सकेंगे, आपको क्या लॉसेज हो सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।